हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉर ब्राउज़र क्या होता है, टॉर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और कौन लोग होते हैं जो टॉर ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, क्या हमें टॉर ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए और नहीं यूज़ करना चाहिए तो क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ कि ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है जिसको बनाया गया है टॉर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद डार्क नेट और डीप नेट, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें शेयर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसको सिर्फ एक पॉजिटिव वे में देखिएगा और सिर्फ एक नॉलेज गेन करने के लिए यूज़ करिएगा। प्लीज़ इसके लिए कोई भी आप अदर अगर स्टेप लेते हो तो इसके लिए चैनल या वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला ये कि टॉर क्या होता है और हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, टॉर एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ, एक्चुअली इट इज़ अवेलेबल फॉर विंडोज, फॉर मैक एंड फॉर लिनक्स। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि टॉर की फुल फॉर्म क्या होती है। इट इज़ द अनियन राउटर, जो कि एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए डेवलप किया गया था। और इसको द अनियन राउटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसा कि आप इसके सिंबल में देख सकते हैं कि ओ की जगह पे एक अनियन यूज़ होता है, एक प्याज यूज़ होता है। दैट इज़ बिकॉज कि जैसे प्याज की अलग अलग लेयर्स होती हैं, वैसे ही जैसे जब आप टॉर ब्राउज़र को यूज़ करते हैं और आपका जो डेटा होता है वो इंटरनेट में ट्रैवल करता है, तो इट गेट बाउंस फ्रॉम डिफरेंट नोड टू नोड इन अ फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो इसीलिए अनियन की को एक सिंबल की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है टू डिनोट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज़ यूज्ड इन अ टॉर ब्राउज़र। ओके, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे जो टॉर है ये वर्क करता है, कैसे हम लोग इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर बैठे हैं और हमें कुछ डेटा सर्च करना है इंटरनेट पे, तो दैट इज ऑन डिफरेंट सर्वर, वो तो एक अलग सर्वर पे रखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक टॉर का क्लाइंट है और एक डेस्टिनेशन है, तो आपको बेसिकली रिक्वेस्ट आपकी ट्रैवल करेगी आपके लैपटॉप से टू अ डिफरेंट सर्वर, वहां से इंफॉर्मेशन फेच करके आपको दोबारा आपके सिस्टम पे आएगी। ओके, दैट इज हाउ अ सर्वर वर्क्स। तो टॉर नेटवर्क जो है, जिसको आप यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, वो क्या करता है कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो द इंफॉर्मेशन गेट बाउंस बिटवीन मिनिमम ऑफ थ्री नोड्स। ओके, जिसको यहाँ पे हम लोग टॉर की लैंग्वेज में रिले बोलते हैं। तो एक एंट्री नोड होता है, एक इंटरमीडिएट होता है और द मिडिल रिले होता है और एक एग्जिट रिले होता है। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट आईपी से बाउंस होती है और इनक्रिप्ट हो जाती है, देन इट गेट टू द डेस्टिनेशन। तो जब आपकी जो रिक्वेस्ट होती है डेस्टिनेशन तक पहुँचती है, तो जो ट्रैकिंग बीच में होती है वो हो नहीं पाती, उसे पता नहीं चलता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई थी, इसका ओरिजिन क्या है। इसको मतलब बेसिकली जो ट्रैक कर रहा है सिर्फ उसको ये पता चल पाएगा कि इट इज़ यूजिंग टॉर टू फेच दिस डाटा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि बेसिकली ये कहाँ से आ रही है या कौन इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड फॉर बीइंग एनोनिमस ऑन इंटरनेट, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली जो टॉर का फुल फंक्शन होता है और टॉर जो हमको एक एडवांटेज देता है, वो ये देता है कि किस तरीके से हम इंटरनेट पे एनोनिमस हो सकते हैं, हम अपनी पहचान को छुपा सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, पहचान को छुपाना इज नॉट अ क्रिमिनल टाइप ऑफ थिंग, जरूरी नहीं है कि इसको हम गलत वे में ही एक जोड़ के देखें। देखिए, बीइंग एनोनिमस इज अ गुड थिंग कि आपकी डिटेल्स हर जगह शेयर नहीं हो रही हैं और आप एक सेफ वे में इंटरनेट को सर्च कर पा रहे हैं। ओके, मैं इसकी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि व्हेन अ यूजर इज कनेक्टेड थ्रू टॉर ब्राउजर, ऑफ्टन थ्रू टॉर ब्राउजर, देयर आउटगोइंग इंटरनेट ट्रैफिक इज डीराउटेड थ्रू अ रैंडम सीरीज ऑफ एटलीस्ट थ्री नोड्स कॉल्ड रिलेज बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन द वेबसाइट द यूजर वॉन्ट्स टू विजिट। ओके, सो योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एन एंट्री नोड एंड द फाइनल नोड ट्रैफिक पासिस थ्रू द एग्जिट नोड आफ्टर विच इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन the website you want to visit, incoming traffic is derouted in a similar manner. तो यहाँ पर derouted का मतलब है कि जो हम traditional route है उसको follow ना करके derouted जो path है उसको follow करते हैं। Okay, so let's move ahead now. अब अगला question है कि क्या it is illegal to use Tor? Definitely not. Tor को use करना किसी भी तरीके से illegal नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसके official releases हैं
अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक पॉजिटिव वे में, एक लर्निंग के वे में और एक एनोनिमिटी को गेन करने के लिए, एनोनिमस वे में इंटरनेट को यूज करने के लिए आप इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं। ओके और ऑब्वियसली हर चीज का एक निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि टॉर ब्राउजर को हम लोग डीप वेब या डार्क वेब से रिलेट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ रॉबर, एक चोर है जिसने एक बैंक को लूटा। देन जब वो बैंक से बाहर निकला तो उसने एक गाड़ी का यूज किया, कार का यूज किया, जो कि उसने एक हाईवे पे ड्राइव करी टू गेट अवे विद दैट थेफ्ट। ओके, तो सिमिलरली टॉर है हमारा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाईवे पे गाड़ी चलाना गलत है, बेसिकली उस रॉबर ने वो चोरी की, दैट इज रॉन्ग डीड। ओके, वो चीज गलत है, बट गाड़ी चलाना सेफ है और हाईवे पे गाड़ी चलाना भी सेफ है। तो टॉर इज सिमिलर टू दैट ओनली, ठीक है। आप अगर इसको यूज करते हैं जस्ट फॉर ब्राउजिंग, जस्ट फॉर एक एनोनिमस बनने के लिए इंटरनेट पर, दैट इज ओके, ठीक है। बट आफ्टर ऑल, अगर आप इसको एक गलत तरीके में ले रहे हैं, गलत वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, और तो दैट इज टोटली अप टू यू, और इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हो गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मोस्टली जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, दैट इज ओनली अप टू 5 or 10% ऑफ टोटल इंटरनेट, जिसको हम लोग क्लीन इंटरनेट के नाम से जानते हैं, जिसको एक्सेस करने के लिए हम लोग गूगल क्रोम और ये सब बहुत ही जो फेमस वेब ब्राउजर्स हैं इनका यूज करते हैं। एक्चुअली होता यह है कि मोस्टली जो सरफेस इंटरनेट है, और जो कि या तो हम क्लीन इंटरनेट जिसको बोलते हैं, इन वेबसाइट की इंडेक्सिंग होती है प्रॉपर, इसलिए हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट क्रोम ब्राउजर। बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं या बहुत सारा ऐसा डेटा है हमारे इंटरनेट पे, दैट इज मोर देन 70%, जो कि इंडेक्स्ड नहीं है, प्रॉपर इसकी इंडेक्सिंग नहीं है, तो आप उसको गूगल क्रोम या अनदर ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो यू नीड अ ब्राउजर लाइक टॉर ब्राउजर, जो कि एक डीराउटेड वे में आपको ऐसी वेबसाइट तक पहुंचा सकता है जिसकी इंडेक्सिंग गूगल पे भी नहीं होती है। दैट इंक्लूड्स प्राइवेट फाइल्स, वेब पेज एंड सेंसर्ड डेटा, दैट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। ये मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई भी गलत यूज मत करिएगा प्रैक्टिकली। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो डेवलपर में, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे बहुत सारा डेटा होता है, गवर्नमेंट डेटा हो गया, प्राइवेट फाइल्स हो गई, ये सारा काफी डेटा सेट आपको वहां पे मिल सकता है, ठीक है। सो अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन जाएं, तो यू आर फैमिलियर विद द टर्म क्लीन नेट, यू ऑल नो दैट इट रिफर्स टू अ पोर्शन ऑफ द इंटरनेट दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड, दैट इज विदाउट टॉर और अल्टरनेट ब्राउजर। ऑन द अनदर साइड यू हैव अ डीप वेब, दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट इज इंट इंडेक्स्ड बाय द सर्च इंजन, including outdated contents, private files and web pages that have barred search engines from crawling them. तो हम लोग basically वही है कि हम लोग normal search engine से उस data को crawl नहीं कर सकते हैं, so we use an alternate browser like Tor browser. Okay. फिर आगे बढ़ते हैं, that is the classification of internet. एक picture के medium से मैं यहाँ पे देखिए कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कि किस तरीके से एक iceberg है जिसकी tip पे clear internet है हमारा, ठीक है, Twitter है आपका, Pinterest वगैरह, Facebook, Skype and all. उसके बाद में हमारा थोड़ा सा डेटा है दैट इज नॉट इंडेक्स्ड प्रॉपरली और दैट इज नॉट अवेलेबल इन अ पब्लिक डोमेन फॉर ऑल द यूजर्स, क्योंकि हमारे इंटरनेट पे हर एज ग्रुप का यूजर होता है। सो बेसिकली ये हमारी इंटरनेट की ऐसी क्लासिफिकेशन है। ओके, तो दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज फ्रेंड्स, इसको सिर्फ ऐसे ही देखिएगा, एक जो चीज है बस उसको समझने की कोशिश करिएगा एंड नथिंग एल्स। सो हु ऑल यूजेस टॉर, कौन कौन ऐसे हैं जो टॉर, जरूरी नहीं है कि सारे क्रिमिनल्स टॉर यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए टॉर का यूज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लोगों ने, ताकि एक एनोनिमस वे में डेटा को सर्व किया जा सके, क्रॉल किया जा सके। विसल ब्लोअर्स यूज करते हैं, आपने एडवर्ड स्नोडन का नाम सुना होगा, दैट वॉज अ वेरी फेमस पर्सन जिन्होंने एक गवर्नमेंट स्कैम का खुलासा किया था अपने टाइम पे। तो इस टाइप के भी लोग होते हैं जो कि एनोनिमस रहना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनोनिमस रहना कोई गलत चीज़ नहीं है, एक सिर्फ वो अपनी आईडी छुपाते हैं ताकि वो अपना एक प्रोफेशन जो होता है उसको जस्टिफाई कर सकें। जर्नलिज्म ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग ऐसे वर्क करते हैं, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन को रिलीज करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो अपने इंफॉर्मेशन और अपनी आईडीज़ को छुपा के रखें, एक एनोनिमस तरीके से काम करें। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल वे कि वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं या करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़े और डोमेन्स ऐसे कौन से हैं जहाँ पे पीपल प्रिफर टू यूज़ टॉर या करते हैं, जैसे कि देर आर सम जर्नलिस्ट, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, एक्टिविस्ट, विसल ब्लोअर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ब्लॉगर्स, मिलिट्रीज एंड आईटी प्रोफेशनल्स। सो जैसे बताया था कि विसल ब्लोअर्स जैसे एडवर्ड स्नोडन थे, बेसिकली विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं, दे आर द पीपल दे जो कि किसी भी स्कैम को एक्सपोज करते हैं और उसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उस एक्सपोज के बाद कैसे सिक्योरिटी उनको मिले और वो अच्छे से एक सेफ तरीके से सोसाइटी में रह पाएँ। तो इसके लिए उनका एनोनिमस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टॉर कैन हेल्प देम अ लॉट, तो बेसिकली वो लोग यूज़ भी करते हैं इसको। तो अब देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। प्रोज में है कि इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही आसान होता है इसको यूज़ करना। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर ब्राउज़र, आप उस पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। सेकेंड, इट्स फ्री ब्राउज़र, इसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी, कोई भी पेमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी। थर्ड, इट्स सेफ गार्ड योर प्राइवेसी विद इंक्रिप्शन, जैसा कि बताया, जो कि इसका सबसे मेन पंच है कि इट इज़ टोटली एनोनिमस। आपको मैं ये नहीं कह सकता कि टोटली एनोनिमस, बट हाँ टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। एटलीस्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा ट्रैकिंग के टाइम पे कि दिस पर्सन इज गोइंग इज यूजिंग दिस टॉर ब्राउजर, लेकिन फिर वो दैट विल योर डेटा विल ट्रैवल थ्रू सच लेयर्स बिटवीन द नोड्स कि वहाँ पे आके आप पूरी तरीके से एनोनिमस हो जाओगे। अदर वन इज इसके कॉन्स क्या है कि स्पीड कैन बी वेरी स्लो, जैसा बताया, क्योंकि डेटा इज गोइंग टू ट्रैवल बिटवीन द नोड्स और उसको बार बार इंक्रिप्शन होगा उसमें, तो थोड़ा सा आपको स्पीड का फर्क देखने को मिलेगा। अनदर वन इज इट कैन लीड टू लीगल ट्रबल, जैसा बताया कि अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है और इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट गो इन टू समथिंग और आपको कुछ बहुत सारे ऐसे लिंक मिलते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है या उनको एक्सेस करना लीगल नहीं है और आप उस पर क्लिक करते हो और फर्दर वो कहीं से सुपरवाइज हो जाता है, कोई देख लेता है उसको, तो यू कैन गेट इन टू अ लीगल ट्रबल। अदर इज सम वेब सर्विसेज आर ब्लॉक्ड, मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आप टॉर से एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो दैट इज़ द पॉइंट। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँ, तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।